हाय फ्रेंड्स, मैं चिप गुरु चैनल से आज आपके सामने एक ऐसी चीज़ लेके आया हूँ जो रिपेयर के लिए काफ़ी अच्छा टूल है। और इससे कभी कभी ऐसे होता है कि जो हमारे आजकल लेटेस्ट लैपटॉप के मदरबोर्ड आ रहे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जैसा आप ये देखो, i3 का लैपटॉप का मदरबोर्ड है, ये सोनी का। तो इसमें दोस्तों इतने छोटे छोटे चिप लगे हुए हैं, इतने छोटे छोटे रजिस्टेंस लगी हुई हैं कि हम उसे आंखों से देख नहीं पाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये शॉर्ट हो जाते हैं तो हमें बिल्कुल नहीं पता चलता है कि इसकी वैल्यू क्या है। कभी कभी इसके ट्रैक टूट जाते हैं तो हमें ट्रैक का भी नहीं पता चलता है। तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये मैंने एक ऐसा डिवाइस मैं यूज़ करता हूँ रिपेयर के लिए, डिजिटल माइक्रोस्कोप। ये देखो दोस्तों, ये मैं 500 गुना तक इसे बड़ा करके देख सकता हूँ, तो ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं इसे सेल करूं, ये आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो दोस्तों। सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूं कि ये रिपेयर के लिए इतना यूज़फुल है कि जैसा मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं, ये मैंने USB कनेक्ट कर दिया। तो दोस्तों ये माइक्रोस्कोप ऑन हो चुका है। तो इसके लिए दो सॉफ्टवेयर यूज़ करने होते हैं। इसके लिए ये डिजिटल माइक्रोस्कोप की एक CD आई है साथ में, वो आप इंस्टॉल कर लो। तो मैं इंस्टॉल करना नहीं बताऊंगा क्योंकि ये काफ़ी आसान है। तो दोस्तों आप मेरी स्क्रीन पे देखो, LCD की स्क्रीन पे देखो, ये दो सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किए हैं, AM कैप और कूलिंग टैक माइक्रोस्कोप। ये वैसे मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो ये दोस्तों ये सॉफ्टवेयर इनिशियलाइज हो रहा है, ये खुल चुका है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से मैंने यहाँ रखा है। तो ये सॉफ्टवेयर मेरा दोस्तों ये चल रहा है सॉफ्टवेयर। ये आप देख रहे हो कि एक एक चीज़ इसमें काफ़ी क्लियर है, जैसे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू तक आप देख रहे हो, ठीक है। अगर आप इसे बड़ा करना चाहो तो यहाँ बड़ा करके भी देख सकते हो। लेकिन दोस्तों ये सॉफ्टवेयर मेरी पूरी स्क्रीन पर नहीं है, तो इसे मैं आप इसे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं दूसरा सॉफ्टवेयर आपको दिखाता हूँ। मैं इसे बाहर आता हूँ तो दोनों सेम चीज़ है। जैसे ये AM कैप का सॉफ्टवेयर है, तो दोस्तों ये काफ़ी इसकी स्क्रीन में बड़ा करता हूँ, तो ये जब स्क्रीन बड़ी होती है तो दोस्तों आप देखो पूरी तरह इसमें एक एक रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें दिखाई दे रही है और क्लियर दिखाई दे रही है। जैसे मैंने ये अगर IC देखनी है, IC के नंबर देखने हैं, तो दोस्तों आप ये देखो कि इसमें ये पूरी तरह हमें क्लियरली सारा कुछ दिखाई दे रहा है। जैसे ये IC है, तो दोस्तों ये देखो, मैं इसे जूम करता हूँ और इसे जूम करने के बाद ये काफ़ी क्लियर दिखाई देती है। आप इसके नंबर पढ़ सकते हो, ये दोस्त ये देखो, तो दोस्तों ये आप देख रहे हो कि इसके नंबर जो हैं ICs के काफ़ी मुझे क्लियर दिखाई दे रहे हैं, जो कि मैं यहाँ पढ़ सकता हूँ कि ये चिप का नंबर क्या है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हो कि ये कुछ डिजिट हमें उल्टे दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ, मैं क्या करूँगा कि इस जगह आता हूँ, यहाँ आने के बाद मैं स्पेशल इफ़ेक्ट में जाता हूँ और मैंने यहाँ पहले मैं इसे सेट कर लेता हूँ दोस्तों। सेट करने के बाद मैंने यहाँ से फ्लिप यूज़ किया। अब ये देखो दोस्तों, ये हमारे डिजिट चेंज हो चुके हैं। आप ये देखो, ये दोस्तों अगर मैंने फ्लिप यूज़ किया तो ये हमारे डिजिट यहाँ से चेंज हो चुके हैं। तो इस तरीके से दोस्तों मैं किसी भी चीज़ को कई गुना बड़ा करके देख सकता हूँ। जैसे ये IC देखो आप, ये देखो छोटी सी चिप है, छोटा सा MOSFET है, 709 PR, ये हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। और दोस्तों
और मैं किसी चिप को दिखाता हूँ। आप अगर दोस्तों अगर आप डायरेक्टली देखते हो तो आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं पता चलेगा। वही आप स्क्रीन पे देखो, मैंने स्क्रीन लगाई हुई है, तो ये छोटा सा मॉस्फेट है जिसका नंबर 1232 दिखा रहा है, 1232E दिखा रहा है। तो इसी तरीके से दोस्तों मैं दूसरी चिप दिखाता हूँ आपको, 709PR। ये इसी तरीके से दोस्तों आप ये देखो, ये मैंने, अगर दोस्तों किसी चीज़ को आपने देखना है और उसकी कैप्चरिंग करना है तो आप दोस्तों कैप्चर में जाओगे और यहाँ आप स्टार्ट कैप्चर करोगे। स्टार्ट कैप्चर में आप नीचे देख रहे हो, ये दोस्तों ये आप दोस्त देख रहे हो, जितनी देर की आपने कैप्चरिंग करनी है आप कैप्चर करो और उसके बाद जाके आप यहाँ पर स्टॉप कैप्चर कर दो। तो इसकी छोटी सी फाइल बन जाती है। तो दोस्तों ये फाइल आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये FF.ABI के नाम से मैंने जो अभी कैप्चरिंग की थी वो फाइल बन चुकी है। ऐसे दोस्तों मैं बाहर आ जाता हूँ। इस तरीके से दोस्तों हमारे लैपटॉप के मदरबोर्ड में कई बार हमें काफ़ी कुछ नहीं दिखाई देता है, जैसे तो दोस्तों ये आपने देखा माइक्रोस्कोप, इसमें एक ऑप्शन दे रखा है लाइट की, अगर आप इसकी लाइट कम ज़्यादा करना चाहते हो तो यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। ये देखो ये लाइट की ऑप्शन दे रखी है, और ये USB बेस है, ये मेरे कंप्यूटर के साथ USB के साथ यहाँ मैंने कनेक्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से आप इसकी लाइट भी कम कर सकते हो और ज़्यादा कर सकते हो। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि इसके एक एक ट्रैक आपको दिखाई दे रहे हैं, इससे ये होता है कि कई बार हम जब रिपेयर करते हैं तो इसके ट्रैक बीच से ब्रेक होते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मैं आपको इसी तरीके का टूल बताता रहूँगा, ये रिपेयर में काफ़ी यूज़फुल है। तो जब भी मैं नई वीडियो लेके आऊँगा मैं आपको एक और टूल बताऊँगा किस तरीके से हम इजीली रिपेयर कर सकते हैं, और ये काफ़ी यूज़फुल है, आप ऑनलाइन कहीं से मंगा सकते हो। और तो दोस्तों मैं आपको नई वीडियो में ज़रूर बताऊँगा किसी नए टूल के साथ। थैंक यू।